सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी की तरह पतले दस्त से तुरंत सिर्फ एक घंटे में छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कुछ भी खाने पीने से पहले अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो आपको पतला दस्त होने लगेगा। कुछ भी खाने पीने से पहले जब हम साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोते हैं तो हमारे हाथों से बैक्टीरिया सीधे हमारे पेट में पहुंचते हैं और पेट खराब कर देते हैं। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पीने का पानी भी बिल्कुल साफ सुथरा रखें। पीने का पानी गंदा होने की वजह से भी पतले दस्त की समस्या हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो घरेलू नुस्खा बताऊंगा वो पतले दस्त की समस्या से आपको सिर्फ एक घंटे में राहत दिला देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये नुस्खा जान लेते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे में जिस चीज का मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ वो है जीरा। जी हाँ दोस्तों, जीरे का प्रयोग आपको इस नुस्खे में करना है। करीब आपको एक बड़ा चम्मच जीरा का प्रयोग इस नुस्खे में करना है। दोस्तों, आपको ये नुस्खा तैयार कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको करीब 1.5 कप पानी में एक बड़ा चम्मच जीरा डाल लेना है और इस पानी को आपको करीब 10 से 15 मिनट तक उबालना है जिससे कि जीरे का पूरा सत इस पानी में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको इस पानी को 10 मिनट तक उबालना है जिससे कि जीरे का पूरा सत इस पानी में आ जाए। इसके बाद आपको इस पानी को छान लेना है। दोस्तों, ये नुस्खा मैंने पहले से तैयार कर रखा है तो मैं आपको दिखला देता हूँ। इस तरह से दोस्तों आपको इस जीरे की चाय को बना लेना है। आपको जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही आपको इस चाय को बनाना है। 1.5 कप पानी में आपको एक बड़ा चम्मच जीरा डाल करके इसको 10 मिनट तक उबालना है। उबालने के बाद इसे छानना है और ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। अब आपको इसमें आधा नींबू का रस भी मिला लेना है। तो यहाँ पे मैं इसमें आधे नींबू का रस भी मिला लेता हूँ। इस तरह से आधे नींबू का रस इसमें आपको मिला लेना होगा। ऐसे आपको आधे नींबू का रस इसमें मिला लेना है। दोस्तों, अभी ये नुस्खा तैयार नहीं हुआ है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको इसमें एक बड़ा चम्मच चीनी भी मिला करके घोल लेना है। ध्यान रखिएगा कि जीरे के साथ ही आपको चीनी को नहीं उबालना है। आपको अलग से इसमें एक चम्मच चीनी डालना है और इसे घोलना है। जब इसमें आप चीनी घोल लेंगे तो इसे आप तुरंत ही पी लीजिएगा। ऐसा करने से आपको तुरंत ही पतले दस्त की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि पतला दस्त तुरंत ही बंद हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको बिल्कुल पानी की तरह पतला दस्त हो रहा है तब आप इस नुस्खे को दूसरी तरह से बनाइएगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पानी की तरह अगर आपको पतला दस्त हो रहा है तब आपको इस नुस्खे को कैसे तैयार करना है। दोस्तों, आपको करीब 1 गिलास पानी में 2 चम्मच जीरे का प्रयोग करना है, यानी कि 2 बड़ा चम्मच जीरा आपको 1 गिलास पानी में डालना है और इस पानी को किसी बर्तन में 10 से 15 मिनट तक के लिए उबाल लेना है जिससे कि जीरे का पूरा सत इस पानी में आ जाए। जब ये पानी को आप 10 मिनट तक उबाल लेंगे तब इस पानी को आप छन्नी की सहायता से छान करके इसमें आधे से एक नींबू का रस भी मिला लेंगे। उसके बाद आपको इसमें 2 चम्मच चीनी का प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें 2 चम्मच चीनी मिला करके इसे अच्छे से घोल लेना है और तुरंत इसे पी लेना है। ज़्यादा गर्म आपको इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि ज़्यादा गर्म आपको ये नहीं पीना है, हल्का गर्म आप पी सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको पानी की तरह पतले दस्त से तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा कि इस नुस्खे का प्रयोग आपको तभी करना है जब आपको बिल्कुल पानी की तरह पतला दस्त हो रहा होगा, नहीं तो आप इस नुस्खे को सिर्फ 1 ही कप बनाएंगे। यानी कि सिर्फ 1 ही कप आपको इस नुस्खे का प्रयोग करना है अगर आपको बिल्कुल पानी की तरह पतला दस्त नहीं हो रहा है तो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। टिप्स में मैं जो आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा आप उस नुस्खे का भी प्रयोग कर सकते हैं पानी की तरह पतले दस्त की समस्या को समाप्त करने के लिए। 2 कप पानी में 2 चम्मच चाय की पत्ती डालकर इस पानी को तब तक उबालिए जब तक कि ये पानी 1 कप ना बच जाए। जब ये पानी 1 कप बच जाए तो इसे छानकर इसमें आधे नींबू का रस निचोड़कर पी लीजिए। ऐसा करने से पतला दस्त
तुरंत ही बंद हो जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।